वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी बोलिए अच्छे मुहावरों के साथ के 32वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो मुहावरों की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, एवरी नाउ एंड देन। नंबर टू, डार्क हॉर्स। पहले मुहावरे की चर्चा कर लेते हैं। एवरी नाउ एंड देन, स्पेल आउट कर देता हूँ, EVERY, एवरी, NOW, नाउ, ANDE, एंड, THEN, देन। एवरी नाउ एंड देन का अर्थ होता है जब, तब, अक्सर, बहुधा। साथियों, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले मैं अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, आशीष एंड गौतम मीट इच अदर एवरी नाउ एंड देन। आशीष एवं गौतम एक दूसरे से अक्सर मिलते हैं। नंबर टू, आई डोंट नो वाई बट एवरी नाउ एंड देन ही कंप्लेन्स अबाउट मी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहुधा वह मेरे बारे में शिकायत करता है। नंबर थ्री, एवरी नाउ एंड देन आई गो टू हरिद्वार टू टेक ए होली डिप इन गंगा जी। गंगा जी में पवित्र स्नान के लिए जब तब मैं हरिद्वार जाता हूँ। साथियों, अब दूसरे मुहावरे की चर्चा कर लेते हैं। डार्क हॉर्स, स्पेल आउट कर देता हूँ, DARK, डार्क, HORSE, हॉर्स। डार्क हॉर्स का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिनकी योग्यता अनुभव के विषय में हम अनअवेयर थे, अवगत नहीं थे, अनजान थे, हमने कभी भी अनुमान नहीं लगाया था कि वह विजयी भी हो सकते हैं। साथियों, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, इन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन टीम वाज ए डार्क हॉर्स। 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम विजयी होगी ऐसा अनुमान किसी ने भी नहीं लगाया था। नंबर टू, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड व्हेन शी वन इंडियन आइडियल सिंगिंग कंपटीशन। शी वाज रियली ए डार्क हॉर्स। सभी आश्चर्यचकित थे जब वह इंडियन आइडियल गायन प्रतियोगिता में विजयी हुई। किसी ने भी उसकी योग्यता का अंदाजा अनुमान नहीं लगाया था, कोई भी अवगत नहीं थे। नंबर थ्री, ध्यान चंद जी वाज नेवर ए डार्क हॉर्स। एवरी वन वाज अवेयर अबाउट हिज हॉकी प्लेइंग स्किल। ध्यानचंद जी कभी भी ऐसे खिलाड़ी नहीं रहे कि जिनकी हॉकी खेलने की कला के विषय में हम लोग अनजान रहे हों या अवगत ना रहे हों। कहने का अर्थ यह है कि ध्यानचंद जी की हॉकी खेलने की कला से हम सभी हमेशा ही अवगत थे। साथियों, मैंने दो मुहावरे तीन तीन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूं। अंत में वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, अंग्रेजी सीखें, अवश्य सीखें, सीखनी ही चाहिए, लेकिन यदि अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई शर्म, डर, झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मदर लैंग्वेज एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य आनी ही चाहिए। मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अमर पंक्तियों से अपनी बातों को समाप्त करूंगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।